शांति, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो एक मुलाकात में। मित्रों, अगर पहले से ही हमें पता चल जाए कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, तो हम अपनी जिंदगी के फैसले बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो मित्रों, चलिए मुलाकात करते हैं आज के हमारे मेहमान श्री कुंवर पाल जी से, जो कि हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं और इन्होंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां पार की और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। आइए उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका हमारे शो एक मुलाकात। धन्यवाद भाई साहब। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने ये जो पॉलिटिक्स में आना आपका जो हुआ, तो ये आपका कोई सपना था या आप एक्सीडेंटली आए? क्योंकि एक वो जो दौर था 1980s, और उस वक्त लोग ज्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, इस सब फील्ड्स में जाते थे, पर आपने पॉलिटिक्स में आने का निर्णय किया, तो ये किस तरह से हुआ? मैंने साधु रितम्बरा जी को सुना था जी, और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। और उसके बाद जो पहली कार सेवा हुई थी, मैं उसमें भी गया। उसके बाद दूसरी, तीसरी, तीनों कार सेवा हुई, उसमें मैं गया और उस आंदोलन से जुड़ा रहा। और उस आंदोलन के बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। और जैसे ही मैं पार्टी के साथ जुड़ा ही था, तो 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने 90 की 90 सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ा था। उससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी ने इतना सब सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा था। जी। और उससे मुझे टिकट भी मिल गया, और जब टिकट मिला तो मुझे अच्छे वोट मिले। मैं लगभग 4000 वोट से ही चुनाव आ रहा था। हालांकि उस समय कोई बीजेपी का कोई बहुत बड़ा आधार हरियाणा में था नहीं, तो वो एक मौका मुझे मिल गया। और उसके बाद अब तक मैंने 6 चुनाव लड़े हैं। मैं 2000 में पहले विधायक रहा हूँ, और अब की बार फिर विधायक बना हूँ। और अब की बार मुझे यहाँ हरियाणा में विधानसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी मिली है, तो उसको निभा रहा हूँ। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से आती थी बार बार इसमें जुड़े रहने की, आगे काम करते रहने की? देखिए, जैसे मैंने पहला चुनाव लड़ा, तो मुझे एक अच्छे इंसान मिले। उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखो, जब तक आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं समझोगे, तो आपकी समझ में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। तो उसके बाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा, और उसके बाद जो एक कैंप होता है उनका, OTC कहते हैं उसको, वो मैंने किया। फिर मैंने सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, और मैंने वहाँ पर जो देखे लोग, RS में जो मैंने लोग देखे, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इतने विद्वान लोग हैं, और किस प्रकार से उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। तो मैं जब अपने बारे में सोचता था कि मेरे पास तो उस प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, उस प्रकार का कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है, लेकिन उन्होंने सारा कुछ छोड़ के देश के लिए इतना बड़ा काम किया, तो मुझे वहां से प्रेरणा मिली। और उसके बाद मैं पार्टी के साथ जुड़ा। आदमी जो है ना, वो विचार से दौड़ता है, कार से नहीं दौड़ता, विचार से दौड़ता है। जो लोग कार से दौड़ते हैं ना, वो फिर इधर उधर हो जाते हैं, और जो विचार से दौड़ते हैं तो वो चलते रहते हैं। तो मैं विचार के साथ जुड़ा, और विचार के साथ जुड़ा, भले ही मैं 4 चुनाव हार गया, लेकिन मेरे दिमाग में कभी भी, मन में कभी ऐसी प्रकार की बात नहीं आई। तो ये था कि भले ही पूरी जिंदगी भी ऐसे ही निकल जाए, तो लेकिन जिस विचार के साथ जुड़ गए, इस विचार के साथ अटल रहेंगे। और उसमें एक सुख का अनुभव भी होता है, जब एक आदमी जो उसका मन का विचार होता है, जब उसके साथ मिलकर काम करता है, तो एक सेटिस्फेक्शन होती है। चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं है, मन की सेटिस्फेक्शन। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक दृढ़ता के साथ, एक संकल्प के साथ जब हम चलते हैं, और कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते हुए भी वो संकल्प हमारे में फिर भी पनप रहा होता है, तो कहीं ना कहीं खुशी भी उस बात की बहुत होती है। आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स को लेके एक भ्रांति है पूरे समाज में कि ये डर्टी है, इसमें ना जाना अच्छा है, करप्शन बहुत है, लोग अच्छे नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपका अनुभव कैसा रहा अभी तक का? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिक्स गंदी है और उसमें नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार से छोड़ दिया जाएगा, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तो फिर पॉलिटिक्स तो अच्छी कभी होगी नहीं। जी जी। तो अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। इतना बुरी पॉलिटिक्स है भी नहीं जितना है, लेकिन जो व्यक्ति निर्णय लेने वाला है, अगर उसको इस प्रकार से, निर्णय लेने वाले व्यक्ति को ही इस प्रकार से छोड़ देंगे कि ये तो बुरे लोगों की है और हम उसमें हिस्सेदारी ना लें, तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए भी इसके दुष्परिणाम होंगे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस एक छवि में परिवर्तन तो हुआ है, निश्चित तौर से। तो आज राजनीति की छवि उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की पॉलिटिशियन की छवि रही है। लेकिन मेरा मानना है कि केवल पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है, जैसा समाज है वैसी पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि समाज के बीच में एक प्रकार की भय, इस पॉलिटिकल ये जो फील्ड है उसको लेके एक बहुत अंदर से भय होती है सबके अंदर, कोई इसमें जाना नहीं चाहता।
तो आपको कभी क्या इस तरह की निराशा या कभी इस तरह की यू नो फीलिंग आई कि नहीं, आपको ऐसा लगा कि नहीं मे बी वो जो थॉट है वो गलत है, ये जस्ट बिलीफ सिस्टम है? आपने देखा कि नहीं काफी अच्छे लोग भी उसमें थे और काम कर रहे थे? नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं पॉलिटिक्स में। और मेरा ख्याल से मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिक्स की जिस प्रकार की छवि बढ़ाई ना कि पॉलिटिक्स गंदी है, पॉलिटिक्स खराब है, खासकर ऐसे लोगों ने बना दी जो स्वयं वोट ही नहीं पोल करते, वो स्वयं वोट पोल करते ही नहीं है और ना उसमें रुचि लेते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी से तो भाग जाते हैं और पॉलिटिशियन की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखो जो उसको करना चाहिए, जो कर्तव्य निभाना चाहिए वो ना करके उनकी अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करते वो, तो मेरे ख्याल से ज्यादा वही लोग आलोचना करते हैं। जी जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा कि ब्राइट फ्यूचर है अभी जिस तरह की माहौल हम पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है? दिस इज व्हाट यू वांट टू से, मतलब अच्छा है और अब जो पॉलिटिक्स है वो अच्छाई की तरफ जा रही है और जिस प्रकार से आज तक पॉलिटिक्स में चलता रहा कि जात बिरादरी के नाम पे या किसी और तरीके से वोट लेते रहे, तो आज वोट मोदी जी के आने के बाद डेवलपमेंट पे चला गया, तो अब हर आदमी डेवलपमेंट की बात करता है। आपकी बिरादरी का भी हो जाए पर वो भी डेवलपमेंट की बात करेगा, वो कहेगा कि डेवलपमेंट आपने क्या किया, तो आज ये पूछना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा वो है कि अब इसकी मतलब अगर हम काम नहीं करते तो लोग उसका जवाब हमसे लेते। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट तो था, पर जिस तरह की हम यू नो मूवीज भी आजकल जो आ रही हैं वो भी बताती हैं कई बार स्पोर्ट्समैन टैलेंटेड होते हैं बट गवर्नमेंट की तरफ से उतनी हेल्प नहीं मिलती, उस तरह की स्पॉन्सरशिप उनको नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं वो उनसे पीछे हो जाते हैं। ये प्रश्न स्पेशली मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है उनको भी बढ़ाने के लिए कुछ काम गवर्नमेंट की तरफ से भी खास होने चाहिए? देखिए, हरियाणा सरकार में तो इस प्रकार के बहुत से काम हो रहे हैं। पहले जो था सरकार का, तो उसमें कोई जो गोल्ड मेडल लेके आता था, कुछ इस प्रकार के पुरस्कार जीत के आता था, तो उनके लिए ही काम होता था। लेकिन अब सरकार ने उसके लिए उसकी पॉलिसी एक चेंज कर दी है और उसमें पिछली बार काफी बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी थे उनको सबको 3,500 के करीब खिलाड़ी थे उनको सरकार ने, मैं समझता हूँ, 10,000 से लेके और 5 करोड़ तक के इनाम उनको दिए और उसके लिए एक पॉलिसी बना दी। अब पहले क्या था कि जो मेरा चाहता है तो उसको तो मतलब सरकार कुछ इनाम देगी और अगर नहीं है तो उसके बाद उसकी कोई चिंता सरकार करती थी, लेकिन अब पॉलिसी बना दी है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जो भी खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी है उसको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, जो उसके राइट है उसको मिले ही मिलेंगे 100%, इस प्रकार का नहीं होगा। ऐसा ऐसा परिवर्तन आ रहा है। आप स्पीकर हैं हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के, नॉर्मली जो आपका वर्क होता है वो दोनों पक्षों को सुनना और उस पे अपनी टिप्पणी, बहुत धैर्य का काम चाहिए उसमें, कई बार स्ट्रेस लेवल भी बहुत होने की हमें जैसे देख के फील होता है, आप कैसे हैंडल करते हैं उसे? हाँ, काम तो मुश्किल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर स्पीकर निष्पक्ष है और निष्पक्षता का व्यवहार करता है और पूरा हाउस भी उसको अनुभव करता है कि स्पीकर निष्पक्ष है, तो मेरे ख्याल से काम काफी आसान हो जाता है। अगर उसका व्यवहार निष्पक्ष नहीं है तो फिर उसको हाउस चलाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये इस प्रकार का विश्वास हाउस के दिमाग में है, हाउस मानता है कि स्पीकर निष्पक्ष है, तो आसान रहता है। जी, लेकिन जो टाइप का स्ट्रेस की अर्ज मैं बात करूं, कहीं ना कहीं वो बहुत रहती है, आपको लगता है कि इसमें कुछ अध्यात्म और इस तरह की चीजें की जाए तो काफी रिलीफ हो सकता है, और आपने किस तरह से इसको डील किया? नहीं, जो मैंने निष्पक्षता की बात की उसके लिए भी अध्यात्म की जरूरत है। अगर आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो तब आपको थोड़ी वहां से शक्ति मिलती है और जिस प्रकार से अध्यात्म के साथ योग के साथ आप जुड़ेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा ठंडा रहेगा, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे। तो हाउस को जितना कंट्रोल करना जरूरी है उससे ज्यादा कंट्रोल करना अपने ऊपर जरूरी है, अगर आप इस प्रकार का व्यवहार रखेंगे तो स्थिति सामान्य कर सकते हैं। आपका अध्यात्म के प्रति कितना रुझान था? नहीं देखिये, मेरा रुझान तो है लेकिन उसका कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं उसको नहीं ऐसे ही जो कहीं से मिलता है उसको सीख लेता हूँ। परमात्मा के प्रति मेरा पूरा विश्वास है तो उसमें रुचि है, लेकिन अब की बार जो ब्रह्म कुमारी के वहाँ हमारे यहाँ आश्रम है तो वहाँ कमल दीदी जी हैं, तो उन्होंने वो मुझे मिले थे किसी उससे, और उसके बाद जब मिला तो उन्होंने जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा के बारे में सारी बात मेरे सामने रखी तो मुझे अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने कई बार वहां पर ध्यान लगाने की कोशिश की, मेरा ध्यान नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई आप 4 दिन का कैंप है हमारा माउंट आबू में, अगर आप वहां चलो तो उसमें आपको काफी लाभ होगा, तो मैं 4 दिन के लिए यहाँ कैंप में भागने लेने के लिए आया था और मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ मंदिरों में गए, पूजा पाठ सब हमने किया है,
बट ध्यान में हमने बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, उसमें अटेंशन नहीं दिया हमने. आपने कहा कि यहाँ आके आपको ध्यान लगाने की बहुत इच्छा रही, तो आप कितना जरूरी मानते हैं उसको यहाँ आने के बाद, ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद आपको लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी जो हमने कहीं ना कहीं मिस कर दी और उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना जरूरी है? देखिए, पिछले टाइम में ये ज्यादातर जो संत महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, उनका विषय था. आम आदमी जो जीवन में है वो मेडिटेशन की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था. लेकिन अभी जैसे जैसे दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे ही मेडिटेशन की आवश्यकता हर आदमी महसूस कर रहा है. तो अब धीरे धीरे सबको उसकी जरूरत महसूस हो रही है और मैं भी आया हूँ तो मैंने प्रयास किया है. अब मैं ये कहूँ कि जब मैं पहली बार ही बैठूंगा और मेरा ध्यान लग जाएगा, ऐसा संभव तो है नहीं, तो प्रयास करेंगे. अब पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो वो एक व्यक्ति बहुत लोगों को लीड कर रहा है, तो आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस जो पूरी जो फील्ड है, जो जितने लोग हैं, उनको एक्सपोज करना जरूरी है स्पिरिचुअलिटी से, आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है. और जब अध्यात्म का ज्ञान होगा किसी को भी तो निश्चित तौर से उसके परिणाम ज्यादा अच्छे होंगे. अगर मैं ये मानता हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा पूरा विश्वास हो कि मैं एक आत्मा हूँ और आप भी एक आत्मा है, जो मुझसे मिलने आ रहा है वो भी एक आत्मा है, तो जब इस प्रकार का विचार होगा मन में और ये जो जब इस बात का निश्चय होगा कि शरीर है ये केवल जो मेरा लक्ष्य को जो प्राप्त करना उसके लिए मुझे मिला हुआ है, तो इस प्रकार का विचार अगर होगा तो मेरे ख्याल से जो दुश्मनी है वो भी खत्म होगी और जो भ्रष्टाचार है वो भी कम होगा और जो देश के लिए हम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से फिर वो अपना लालच छोड़ के उसकी ओर बढ़ेंगे. क्योंकि आत्मा तो अमर है, क्योंकि शरीर तो बार बार मिलता रहेगा और आत्मा एक ही है, तो जब इस पे हमारा दृढ़ विश्वास होगा तो परिणाम उसमें ज्यादा अच्छे आएंगे. और जो लीडर है उसके लिए, क्योंकि वो लीड करता है तो उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो इस बात को समझे, उसके परिणाम ज्यादा अच्छे होंगे. क्योंकि एक आम आदमी को भी वही ज्ञान है और एक लीडर को भी वही ज्ञान है, तो जो लीडर हजारों लाखों लोगों को लेके चल रहा है तो अगर वो ठीक हो जाएगा तो ज्यादा लोगों को फायदा होगा उसका, डेफिनेटली उसका ज्यादा लाभ होगा. जी जी. कहते हैं तीर्थ स्थान पर अगर हम जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, कुछ छोड़ के जाते हैं, आप क्या यहाँ से लेके जा रहे हैं और क्या छोड़ के जाएंगे? तो लेके तो वही यहाँ से जा रहे हैं कि जो अच्छाइयां हैं और हमारे जीवन में अगर कोई कमी है तो उसको अपनी कमी को दूर करें, यही चीज हम यहाँ से लेके जा रहे हैं और अपने जीवन में उसको लेके आएंगे और जो ध्यान की यहाँ हमने सीखा है तो जीवन में उसको उपयोग में लाएंगे, निश्चित तौर से उससे लाभ होगा हमें जीवन में. जी जी. युद्ध के लिए आपकी स्पेशली क्या मैसेज होगी, क्योंकि युद्ध काफी आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं मॉडर्नाइजेशन में, गैजेट्स में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं अपने आप से ही दूर होता जा रहा है, आपको लगता है कि युद्ध के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं, मैंने कहा कि अगर व्यक्ति ये मान ले कि मैं आत्मा हूँ और जो सामने है वो भी आत्मा है, तो फिर तो ये समस्या समाधान हो जाएगा. किसी का शोषण क्यों करेंगे, किसी के अत्याचार किसी के ऊपर क्यों करेंगे, तो उस सोच के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पूरी दुनिया की समझ में तो अभी आने में बड़ा टाइम लगेगा. और जो लोग जिनके संकीर्ण दिमाग है, जिस प्रकार की सोच है, वो आप बाहर के देशों में आप देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कुल मिला के लोग इस प्रकार का विश्वास तो करते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, जानते तो हैं लेकिन पक्के इरादे से उसको मानते नहीं है. मतलब इसको उनको जानकारी तो है इस बात की कि आत्मा सो परमात्मा, लेकिन फिर भी उसको मानना और पूरे उससे मानना, तो जैसे जैसे उसको मानेंगे तो निश्चित तौर से ठीक होगा. लेकिन इस देश में फिर भी इस पे काफी आध्यात्मिक के मामले में, आध्यात्मिकता के मामले में अपना देश काफी आगे है, डेफिनेटली. बट कहीं ना कहीं, क्योंकि वही जो मैंने अभी बात कही कि मॉडर्नाइजेशन जो है हमें कहीं ना कहीं दूर भी करती जा रही है अपनी जड़ों से ही, तो वही बात थी. आगे मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि आत्मा की जो 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 ज्ञान है वो कई बार कई लोग बहुत गंभीर विषय सोचते हैं, उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते. नॉर्मली भगवान के बारे में बोले तो इंटरेस्ट होता है, बट आत्मा के बारे में बोले तो कहीं ना कहीं भागते हैं. पर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये एक बात समझ में आ जाए तो सब कुछ आसान हो जाए, तो इस बात को आपने बहुत इजीली लिया है, मैं जानना चाहूंगी आपसे ये कैसे अंडरस्टैंडिंग आपको. ज्यादा भौतिकता में लिप्त है जी, और भौतिकता में लिप्त होते हैं फिर उसके लिए जो जिस प्रकार के साधन चाहिए तो उस प्रकार के साधन प्राप्त करने का वो पूरा प्रयास करता है और उसके लिए वो आत्मा को भी, अपनी आत्मा को भी मार लेता है.
और जब हम आत्मा की बात करते हैं तो तब उसको वो जो भौतिक साधन है दूसरे हैं वो उनको छोड़ने पड़ते हैं। एक लालच भी तो होता है ना, तो वो लालच है कि ये प्राप्त कर लो, और जब हम उसकी आत्मा को छेड़ते हैं तो उसको वो कहता है कि भाई इसको एक साइड में रखो, तो इसकी बात ना भी करो बीच में, क्योंकि डिस्टर्ब कर देगी सारा काम। तो इसलिए बचने का उससे प्रयास करता है, लेकिन आदमी को स्वयं का साक्षात्कार तो करना ही पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि जैसे भी हम कर्म करेंगे उसके परिणाम जरूरी भुगतने पड़ेंगे। अगर हम अच्छे करेंगे तो निश्चित तौर से उसके अच्छे परिणाम होंगे, बुरे करेंगे तो बुरे। उसको हम किसी भी प्रकार से अपने जो कर्म है उनको किसी भी प्रकार से हम नष्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते उनको, कि मैं बुरे कर्म करके कोई दान कर दूंगा और उसके बदले मुझे अच्छे मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। 100% जैसा करेंगे वैसा ही हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार का कहा कि भाई आपने कर तो दिया गलत, अब अगर आप ऐसा ऐसा दान कर दो तो शायद वहां फिर आपका खाता हम चेंज कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कर दोगे तो फिर जो परमात्मा है वो परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा ऐसा है जो बिल्कुल न्याय करेगा, वो कुछ भी पक्षपात वहां होने वाला है। आपने कर्मों की गुह्य गति के ज्ञान दिया, कई बार हमें बहुत ही बड़ी एज में इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आती है। आपको लगता है कि बचपन से ही अगर हमें ये ज्ञान मिल जाता तो बहुत सारी मिस्टेक्स जो हमने की अपनी लाइफ में उससे हम बच जाते? कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो, तो जब बूढ़े होने के बाद तो कुछ भी नहीं याद रहता। अगर आप गाड़ी चलानी कहो किसी को भी गाड़ी चलानी अब सीख लो, 70 साल की उम्र में तो सीख नहीं सकता। 70-75 साल की उम्र में तो वो लोगों के नाम भी भूल जाता है, वो उसके याद नहीं थे। तो 70-75 में आध्यात्मिकता को कैसे, जो परमात्मा सबसे बड़ी सत्ता है उसको प्राप्त करने के लिए आप वो टाइम चुन रहे जब आपके कुछ याद ही नहीं रहा। तो इसकी जरूरत तो वास्तविकता में बचपन में ही है, और बचपन में ही हम इसको सही तरीके से ध्यान भी सही तरीके से लग सकता है, प्राप्त भी सही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक इस प्रकार का एक विचार लोगों के मन में आया कि अगर जब बच्चा होगा तब उसकी तरफ बढ़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये संत महात्मा बन जाए, परिवार को छोड़ दे, कुछ इस प्रकार का रहा। तो उसकी वजह से एक धारणा रही कि नहीं नहीं इस साइड में नहीं, माँ बाप भी नहीं चाहते कि वो इस साइड में बढ़े। लेकिन मैंने ब्रह्म कुमारी में यहाँ के देखा है कि यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटी उम्र में इधर आध्यात्मिकता की ओर बढ़े हैं। तो आपको लगता है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऐसे हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसका आध्यात्म का एक्सपोजर करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, 100% करना चाहिए। और देखिए ये आध्यात्मिकता धर्म जो है ना जी, ये बहुत जरूरी है, लेकिन हमने इसको मिक्स कर दिया, हमने संप्रदाय को और धर्म को एक जगह कर दिया। तो दोनों को हमने मिक्स कर दिया, संप्रदाय बिल्कुल अलग चीज है, धर्म बिल्कुल अलग चीज है। धर्म जो है वो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है हमारे, जो देश के प्रति कर्तव्य है, परिवार के प्रति कर्तव्य है, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, वो हमारा धर्म है। उसी धर्म की बात भगवान श्री कृष्ण वहां करते हैं अर्जुन के साथ जी। और जब अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता, लोग कहते हैं कि जितनी भी लड़ाइयां होती हैं पैसे के लिए, महिला के, औरत के लिए और जमीन के लिए होती हैं, लेकिन अर्जुन तो कुछ भी नहीं कह रहा। अर्जुन तो कहता है मैं तो भिक्षा मांग के भी गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अगर युद्ध की बात करते हैं तो कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म जो है वो संप्रदाय नहीं है, धर्म वो है जो ड्यूटी है समाज के प्रति, देश के प्रति, सबके प्रति जो ड्यूटी है, मेरा नैतिक कर्तव्य है, तो वो धर्म है। उस धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान श्री कृष्ण वहां करते हैं। तो वो धर्म अगर हम छोड़ देंगे और धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे तो फिर तो कुछ बचने ही वाला नहीं है, फिर क्या बचेगा। इस देश की जो पहचान है वो धर्म है, और धर्म जो दुनिया को दिया वो इस देश ने दिया, उसकी जो डेफिनेशन लिखी इस देश ने। मैं ये नहीं कहूंगा कि धर्म हमने पैदा किया, लेकिन धर्म की डेफिनेशन जो है, जो सोच है दुनिया को, वो हिंदुस्तान ने दी। धर्म का पठन पाठन, उसका ज्ञान मैं समझता हूँ कि शुरू से ही देना चाहिए। और जो संप्रदाय है, संप्रदाय निरपेक्ष की बात पहले से भी कही गई है इस समाज ने, हमारे महापुरुषों ने भी कहा कि 24 संप्रदाय हैं, तो संप्रदाय पहले भी यहाँ थे। संप्रदाय तो एक है कि पूजा पद्धति का ढंग जो है उसको संप्रदाय कहते हैं, वो किसी का भी पूजा पद्धति का ढंग कुछ भी हो सकता है। और इस देश में तो इतनी उदारता रही कि मैं हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का भगत हूँ, मेरी पत्नी तो देवी की भगत है, मेरा बेटा हनुमान जी का भगत है, कोई झगड़ा नहीं इस बात में। अब वो जो उनको अच्छा लगता है उसमें क्या दिक्कत है, जिसको अच्छा लगता है उसको उस तरीके से मानते रहो, लेकिन धर्म का ज्ञान देना ही चाहिए। और धर्म का ज्ञान होगा तभी मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार भी दूर होगा, और जो जिस प्रकार के अपराध आज समाज में हो रहे हैं तो वो रुकेंगे। डेफिनेटली, तो लॉज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर इंसान खुद ही मर्यादा पूर्ण चलेगा। भाई साहब, आपका यहाँ आना हुआ, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर जानी सीखी, आप इसको किस तरह से स्प्रेड करेंगे, जहाँ भी आ जाएंगे आप इसको किस तरह से फैलाएंगे? देखिए, जो मैंने यहाँ जाना है हम समाज में उसकी जाएंगे, चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर कोई भी इस प्रकार की मतलब बहकाने वाली बात या इस प्रकार का कुछ भी बताया नहीं गया, सीधा स्पष्ट सी ही जो बात है
किसी प्रकार की कोई अलग से इस प्रकार का नहीं बताया कि जिससे कोई अंधविश्वास हो। एक सिद्ध सिद्धि परमात्मा की बात है, आत्मा की और परमात्मा की बात है। सुनते तो हम पहले भी आ रहे थे, लेकिन वो इन्होंने ज्यादा स्पष्ट तरीके से बताया कि किस प्रकार से परमात्मा की तरफ ध्यान लगा सकते हैं। और ये आत्मा जो है ये वहीं से आई कभी ना कभी। चलिए भाई साहब, आपसे बातें की, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर की हमसे, और बहुत सारे सजेशंस भी आपके थे कि एक बहुत ही मास लेवल पे एक चेंज की जरूरत है हमारे समाज में, उसकी प्रेरणा भी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिर यहाँ आएंगे और यहाँ परमात्मा से ज्ञान के मोती लेकर अपना जीवन सुधारेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं जीतने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ, मैं केवल सच और सही होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कितनी सुंदर पंक्तियाँ थी मित्रों, और यही प्रेरणा दे गए आज के हमारे मेहमान श्री कुंवर पाल जी। अगले एपिसोड में फिर एक नए मेहमान के साथ, कुछ नई प्रेरणाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत। ओम शांति।